गाइस, आप सभी ने देखा इंस्टाग्राम पर जो इस टाइप की रील जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है एंड बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में। अगर आप लोग भी इस सॉन्ग के ऊपर अगर अपनी वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो भी वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग जो इस टाइप की रील एडिट कर सकते हो, तो आपको कैसे एडिट करना मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझाऊंगा एंड एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे VN ऐप को ओपन कर लेना है गाइस, ठीक है। एंड वीडियोस कैसे शूट करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले VN एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो है पहली वीडियो ऐड करेंगे, जो कि है ये वाली जो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। तो पहली वीडियो आपको जो है कुछ इस टाइप से शूट करनी है, जिसमें गाइस आपके जो है स्टार्टिंग के क्लोथ्स होंगे जिनको आप चेंज करने वाले हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो कैसे शूट हुई है। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप से वीडियो शूट हुई है, ठीक है। तो आपको सेकंड वीडियो आपको कैसे शूट करनी है वो बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है दूसरी वीडियो को जो है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसमें खाली सिर्फ शर्ट चेंज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा प्ले करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे शर्ट चेंज हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। तो कैसे करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से जो है मतलब ये जहाँ से मतलब पहले तो ऊपर से ना वीडियो को जो है फुल स्क्रीन में कर लेते हैं, फिर यहाँ से इजीली हो जाएगा हमारा स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो वीडियो को फुल स्क्रीन में कर रहा है एंड स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे जहाँ पे आपका जो ड्रेस है चेंज हो रही है, ठीक है, वहाँ का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले हम। तो जहाँ से यहाँ से शर्ट जो है चेंज हो रही है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से बैक चलेंगे एंड यहाँ पे फोटो रूम ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर एकदम फ्री अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली जो है यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ से फोटो रूम ऐप ये रहा इस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे एंड डायरेक्ट यहाँ से जो परमिशन वगैरह ये सब नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इन सब में जो टाइम जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रांसमिट के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोग यहाँ से अपनी जो स्क्रीनशॉट थी आपको सिंपली इसको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप गैलरी से जाके भी ले सकते हो। तो अब जैसे लोगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। बट गाइस, इसमें अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिमूव कर रही है, जैसे गाइस यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे कट एडिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो है हम पहले फेस वाला एरिया रिमूव करेंगे एंड नीचे वाला एरिया रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे फोटो हम जूम कर लेंगे, तो मैं इसको फटाफट करता हूँ देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना। ओके, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो गाइस एकदम आप लोग टाइम देके और आराम आराम से करना, ठीक है। और अगर गाइस ज़्यादा मतलब कि कुछ रेज हो जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो हमें इसको ब्लर भी करना है तो उसमें जो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा रिमूव हो गया इसको हम पहले अंडो करते हैं एंड उसके बाद जो है इन सबको रिमूव करते हैं। तो कभी भी गाइस जब इसमें जब मतलब कि पेस्ट करोगे तो आपको जो है ना आप क्लोथ से थोड़ा नीचे के साइड में ही आपको यहाँ पे लाइन क्रिएट करना है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे मतलब कि पूरा प्रॉपर ऐसी रेज हो गया। अब गाइस देखिए, इतना जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को जो है यहाँ से सीधा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, थोड़ा सा। एंड जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको एक ब्लर का ऑप्शन मिलेगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे की साइड में फिल्टर के ऊपर वाला और कलर के बीच में जो है, ठीक है, इनके नीचे तो एक ब्लर वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको मोशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये मोशन वाला, इसको क्लिक कर देना है एंड उसके बाद कर देना है यहाँ से डन। इतना हो जाने के बाद आपको ऊपर शेयर का बटन दिखेगा ऊपर आपको सबसे लास्ट में कोने की तरफ में, ठीक है। तो ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के लिए बोलिया, बट हम इसको कर देंगे मे बी लेटर। एंड इतना हो जाने के बाद आपको करना है कि आपको सेव टू गैलरी कर देना है यहाँ पे एंड आपकी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। इतना हो जाने के बाद आपको वापस से आपकी जो जहाँ पे आप जो एडिट करते हैं वहाँ पे आ जाना है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जो है वीडियो का जो सबसे फर्स्ट वाली वीडियो उसके थोड़ा सा मतलब कि एक सेकंड के फर्क भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0.1 सेकंड वाले ऑप्शन पे रखना है एंड वहाँ से आपको ऐड वीडियो पे क्लिक करना है एंड वहाँ से आपको फोटो वाले सेक्शन में जाना है। जो अभी हमने फोटो को सेव किया था उसको आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है एंड उसको आपको साइड में कुछ इस टाइप से रख देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे की पॉइंट मिलेगा ऐसे करके की फ्रेम वाला, आपको सिंपली वहाँ पे लगा के एंड उसके बाद फिर आपको दूसरे वाले में थोड़ा वीडियो को स्क्रॉल कर देना है, इसको जो है वहाँ पे की फ्रेम लगाना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे हम जो है तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि मतलब कि जो आगे का पास्ट ऑर्डर को डिलीट कर देना है, प्ले करके दिखाता हूँ कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है। देखिए कैसे यहाँ पे ये हमने प्ले किया और ये देखिए ऐसे आ गया हमारे पे। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे तो हमारा इतना हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ आपको जो दूसरे यहाँ पे अभी हमें पेंट भी चेंज करनी है ना नीचे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्लस पे क्लिक करेंगे जो हमारी तीसरी वीडियो होगी, तो हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। सो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे तो ये रही हमारी वो तीसरी वीडियो, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो मतलब पहले जो आपने किया ना वहाँ पे वही सेम चीज़ होगा यहाँ पे तीसरे वाले में भी, ठीक है, सेम चीज़ वही होगा यहाँ पे, कोई ज़्यादा मतलब कि आपको वो नहीं करना है, अलग चीज़ कुछ नहीं करनी है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा जो भी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, बस सेम मेथड है सब में। तो अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, बट ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है यहाँ पे जो मतलब कि वीडियो जहाँ से हमें मतलब पैंट का जो स्क्रीनशॉट लेना वहाँ से हम जो हम ले चुके हैं पहले से, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा सब कुछ बार बार ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि एक स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, पहले तो ये वाला है, यहाँ से हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो ये वाला पैंट जहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको जो स्क्रीन शॉट है वहीं वहीं से लेना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से जो हम स्क्रीन शॉट ले लेंगे इसका, तो ये रहा स्क्रीन शॉट। अब देखिएगा सेम चीज़ वही है, यहाँ पर मैं पहले से इसको करके रख लेता हूँ, ठीक है। पहले से आपको यहाँ पर मैं वीडियो कट कर दूंगा बीच में से, आपको ज़्यादा नहीं वो टाइम वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 0.1 सेकंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको सिंपली वहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करके आपको सेम वहीं पर फोटो में चले जाना है। यहाँ से जो पेंट का जो भी वाला जो सेम है वही ब्लर वाला फोटो आप कहाँ पर ले लेना है। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है इसको सेम वैसे की पॉइंट लगाना है यहाँ पर, ठीक है। की फ्रेम जो इस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे एंड एक की यहाँ पे लगाएंगे, एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे वीडियो को, एंड यहाँ से उसके बाद इसको यहाँ पे ले आएंगे, एक की यहाँ पे अपने आप लग जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड यहाँ से जो आगे का पार्ट है सबको हम जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब जो मैं इसको प्ले करता हूँ ये देखिए गाइस, ठीक है, एकदम मौसम तरीके से यहाँ पे हमारी वीडियो एडिट हो रही है, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो हमारा वीडियो कंप्लीट एडिट हो जाता है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।